जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। अपनी कलम और विचारों के जरिए हिंदी साहित्य के वृक्ष को और समृद्ध और छायादार करने वाले कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था अपनी कृति कर्मभूमि में। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी जिंदगी में समाज की तमाम बुराइयों के खिलाफ न सिर्फ लिखा बल्कि उस पर अपने असली जीवन में अमल भी किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता थीं आनंदी देवी। उनके पिता डाकघर में मुंशी का पद संभालते थे। अपने एक मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने धनपत राय की जगह प्रेमचंद नाम रख लिया। साहित्य जगत में उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना गया। हालांकि बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। बचपन में उन्होंने एक मौलवी साहब से उर्दू और फारसी पढ़ना सीखा। उनकी कहानी है कजाकी, जो उनकी बाल स्मृतियों पर आधारित है। कजाकी डाक विभाग का हरकारा था और बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करता था। वो बालक प्रेमचंद के लिए सदैव अपने साथ कुछ सौगात लाता था। कहानी में वो बच्चे के लिए हिरन का छौना लाता है और डाकघर में देरी से पहुंचने के कारण नौकरी से अलग कर दिया जाता है। हिरन के बच्चे के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अति विलंब से डाकघर लौटा था। कजाकी का व्यक्तित्व अतिशय मानवीयता में डूबा है। वो शालीनता और आत्मसम्मान का पुतला है, लेकिन मानवीय करुणा से उसका हृदय भरा हुआ है। प्रेमचंद का विवाह 15-16 साल में ही कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसी बीच उन्होंने स्कूल में शिक्षक की नौकरी की, साथ ही बीए की पढ़ाई भी। बाद में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। शिक्षक की नौकरी के दौरान प्रेमचंद ने जनजीवन को बहुत गहराई से देखा और अपना जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। प्रेमचंद के उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला आज भी वास्तविकता के बहुत करीब दिखते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी कहानियों का काल्पनिक रचना संसार रचने के बजाय अपने जीवन में भी उस यथार्थ को जिया। जब उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया तो उस जमाने में ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा मामला था। सिर्फ भारत ही नहीं, वो पूरी दुनिया में मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आम आदमी हैं, आम इंसान हैं। ऐसे ही उनकी कहानियों में आम इंसानों की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव दिखते हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां और 14 बड़े उपन्यास लिखे। लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में उनके साहित्य का अनुवाद हो चुका है। इनमें विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। अपनी रचना गबन के जरिए समाज की ऊंच नीच, निर्मला के जरिए एक स्त्री को लेकर समाज की रूढ़िवादिता, बूढ़ी काकी के जरिए समाज की निर्ममता को जिस अलग और रोचक अंदाज में उन्होंने पेश किया है, उसकी तो कहीं तुलना ही नहीं है। इसी तरह से पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों से प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की है। सादा और सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहते थे। कितनी भी विषमताएं हों, कटुताएं हों, उनके लिए मानो वो सब खेल था। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया, जिसको वो हमेशा जीतना चाहते थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद हसोड़ प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं भरे जीवन में हसोड़ होना एक बहादुर का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि उनके अंदर अपूर्व जीवनी शक्ति थी। सरलता, सौजन्य और उदारता की मूर्ति थे वो। जहाँ उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं उनके हृदय में गरीबों और पीड़ितों के लिए बहुत गहरे तक सहानुभूति थी। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। इन्हें ग्रामीण जीवन से लगाव था। वो सदा साधारण गवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने गांव में ही गुजारा। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे। जो भी उनके नजदीक गया, वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। वो आडंबर और दिखावे से मीलों दूर रहते थे। जीवन में ना तो उनको विलास मिला और ना ही उनको इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। उन्होंने हिंदी में शेख सादी पर एक छोटी सी किताब लिखी थी। टॉलस्टॉय की कुछ कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया था और प्रेम पचीसी की कुछ कहानियों का रूपांतर भी हिंदी में कर रहे थे। प्रेमचंद का करीब 1 साल
1934 से लेकर 1935 तक मुंबई की फिल्मी दुनिया में भी बीता। कभी शिक्षक के रूप में 18 रुपए प्रति माह की नौकरी करने वाले प्रेमचंद को उस वक्त फिल्म स्टूडियो अजंता सिनेटोन ने 8000 रुपए की बड़ी सैलरी पर काम पर रखा था। साल 1930 से लेकर 1940 का दौर ऐसा था कि तब देश भर से लेखक और साहित्यकार मायानगरी मुंबई में जमीन तलाश रहे थे। प्रेमचंद ने फिल्म मिल मजदूर में मजदूरों की समस्याओं को बड़ी मजबूती से उठाया था। फिल्म में एक देश प्रेमी मिल मालिक की कथा थी, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी तरह ये फिल्म लाहौर, दिल्ली और लखनऊ के सिनेमा हॉल में रिलीज हुई और इस फिल्म का मजदूरों पर ऐसा असर हुआ कि हर तरफ विरोध के स्वर गूंजने लगे। फिर तो आनंद फानन में इस फिल्म को थिएटर से हटा लिया गया। इस फिल्म में प्रेमचंद स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए रजत पट पर अवतीर्ण हुए। मजदूरों और मालिकों के बीच एक संघर्ष में वो पंच की भूमिका में आए थे, लेकिन आखिरकार प्रेमचंद ये जान गए कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। बहुत निराश मन से वो वापस बनारस लौट गए। इसके बाद उन्होंने सिनेमा और साहित्य पर तीखे लहजे में एक आलोचनात्मक निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मुनाफे कमाने के लिए काम करती है। गौरतलब है कि सत्यजीत राय ने उनकी दो कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई, 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। प्रेमचंद के निधन के दो साल बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बलक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद की कुछ कहानियों पर और भी फिल्में बनी हैं। उनका ज्यादातर समय वाराणसी और लखनऊ में गुजरा, जहाँ उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना साहित्य सृजन करते रहे। सन 1935 में मुंशी जी बहुत बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर 1936 को सिर्फ 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट। नमस्कार।